हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो जिसके लिए हम दो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं 10 10 क्वेश्चन की। नेक्स्ट वीडियो 10 क्वेश्चन की जो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पर भी हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपने कुछ क्वेश्चन सुने होंगे, कुछ क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको लगता होगा कि ये मेथड है, मगर कुछ ना कुछ इजी मेथड से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ध्यान से समझना हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमें दिया हुआ है। ये हमारा डेडलॉक के अंदर कंसेप्ट आता है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, रिसोर्सेज दिए हुए हैं। R1 एक रिसोर्स है, R2 एक रिसोर्स है, R3 रिसोर्स है। हर रिसोर्स के आगे डॉट लगाया हुआ है। डॉट का मतलब है कि R1 नाम से जो रिसोर्स है उसके कितने इंस्टांसेज है, R2 नाम से जो रिसोर्स है उसके कितने इंस्टांसेज है, R3 के कितने इंस्टांस है। ठीक है, चार प्रोसेस दिए हुए हैं, P0, P1, P3, P2। तो चारों प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर एज बनाई हुई है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं कि रिसोर्स टू प्रोसेस जो भी एज है, इसका मतलब होता है असाइनमेंट एज। रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जो जा रही है इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट एज। असाइनमेंट का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर रिसोर्स है वो इस प्रोसेस के पास है। और अगर मैं लिखता हूं प्रोसेस टू रिसोर्स, तो इसका मतलब है रिक्वेस्ट एज। दो टाइप की एज होती है हमारी। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस जो है इस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं RI और यहां पर मैं लिख देता हूं RJ। तो RI जो रिसोर्स है वो प्रोसेस P के पास है, RJ के लिए प्रोसेस P रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि R1 जो है दैट इज एलोकेटेड टू P1, बट P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स R1 अनदर। ठीक है, एंड R1 इज असाइन टू P0 एंड P0 इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स R2। ठीक है, तो इस टाइप से ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा हुआ है कि आपका डेडलॉक है या नहीं है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, समझने के लिए आपको मैंने यहां पर बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में यहां लिखा हुआ है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। बहुत इजी वे में हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं यहां पर। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन में यहां पर लिखा, एक तरफ लिखा है प्रोसेसेस P0, P1, P2 एंड चार प्रोसेस है हमारे P3। तो चारों प्रोसेस लिख दिए मैंने, यहां पर लिख दिया एलोकेशन, यहां लिख दिया रिक्वेस्ट। एलोकेशन का मतलब है जो असाइंड है, R1, R2, R3। ठीक है जी, अब P0 कितने रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है प्लस एलोकेटेड कितने हैं। देखो P0 के पास कौन कौन से रिसोर्स है, देखिए ये वाली जो एज आ रही है मैंने अभी आपको बताया, पी की तरफ जो एज आ रही है वो असाइंड है। असाइंड का मतलब है एलोकेटेड है। तो पी की तरफ, पी नोट की तरफ कौन कौन सी एज आ रही है, एक तो ये वाली एज आ रही है, देखिए मैं टिक कर रहा हूं, और एक ये एज आ रही है। ठीक है, तो पी नोट की तरफ दो एज इनकमिंग एज है, एक R3 के थ्रू आ रही है और एक R1 के थ्रू आ रही है। इसका मतलब है पी नोट के पास एक तो R1 है, एक R3 है, R2 नहीं है, तो इसको मैं लिख दूंगा 0। इसी तरह से यहां पर पी नोट कौन से रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है, देखिए पी नोट से रिसोर्स की तरफ जो एज जा रही है, प्रोसेस टू रिसोर्स जो जा रहा है वो रिक्वेस्ट एज होती है। तो पी नोट R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है, एक तो ये वाली एज है, ठीक है ये मैं स्टार लगा रहा हूं, और एक ये एज है। तो पी नोट जो है R2 की भी रिक्वेस्ट कर रहा है, पी नोट जो है वो R3 की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है और R3 की रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से P1, P1 को चेक करेंगे हम, P1 इनकमिंग एज कौन सी है, एक ये टिक कर रहा हूं मैं, एक ये टिक कर रहा हूं, ये R2 है और ये R1 है। तो R2 और R1, 1-1 इसके पास है और R3 नहीं है। P1 किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, स्टार में यहां पर लगा रहा हूं, एक ही रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की, तो बाकी जो है वो 0-0 हो जाएगा। इसी तरह से P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R3, P2 जो है रिक्वेस्ट कर रहा है R3 और इसके पास कोई भी रिसोर्स एलोकेटेड नहीं है क्योंकि इसमें एक ही एज है। P3 के पास कौन सा रिसोर्स है हमारा, R2, P3 के पास R2 है मगर बाकी जो है वो नहीं है। और P3 किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 की। देखिए दो एज है, दो एज का मतलब है दो रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है सेम रिसोर्स के लिए।
तो यहां पर आ जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 0 0। तो इस तरह से हमने एलोकेशन ग्राफ बना लिया अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो यहां पर देखिए अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब क्या होता है, अवेलेबल का मतलब है R1 R2 R3। जब ये असाइंड नहीं था तो R1 के पास टोटल कितने थे 2, R2 के पास टोटल रिसोर्स कितने थे 3, R3 के पास टोटल रिसोर्स थे 2। तो वो मैंने लिख दिया है यहां पर, R1 के 2 है, R2 के 2, सॉरी R2 के 3, R3 के 2। ठीक है जी। अब एलोकेशन वाले जितने भी हैं उनको हम सम कर लेते हैं कॉलम वाइज। तो यहां पर 1 आ गया, यहां पर 2 आ जाता है और यहां पर 2। तो 2 2 1 एलोकेटेड है, तो अवेलेबल में से इसको लेस कर दो 2 2 1। तो हमारे पास अभी भी रिसेंटली अवेलेबल कितने हैं, R2 का एक रिसोर्स खाली है और R3 का एक रिसोर्स खाली है और R1 का कोई भी रिसोर्स हमारे पास खाली नहीं है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, अभी भी ये अवेलेबल है। तो हम क्या बनाएंगे, यहां पर चेक करेंगे कि ये डेडलॉक में है या नहीं है। डेडलॉक का मतलब है कि अवेलेबल होते हुए भी हम उसको एलोकेट नहीं कर पाएंगे, सेव सीक्वेंस नहीं निकल पाएगी। तो यहां ट्राई करते हैं सेव सीक्वेंस निकल रही है या नहीं निकल रही। तो आप देख सकते हो यहां पर सबसे पहले 0 1 1 पी नोट को चेक करेंगे, 0 1 1 इसको रिक्वायरमेंट है और 0 1 1 ही हमारे पास अवेलेबल है। तो हम चारों को ट्राई करेंगे, चारों में से जो भी कम से कम रिक्वायरमेंट होगी, कम से कम रिक्वायरमेंट का मतलब है यहां पर 2 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसको 1 की है, इसको 1 की है, इसको 2 की है। तो P1 और P2 में से कोई भी रिसोर्स, कोई भी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, मगर P1 किसके लिए रिक्वेस्ट मांग रहा है, R1 की। तो R1 की तो रिक्वेस्ट हमारे पास है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो हम किसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, P2 को। P2 को हमने एग्जीक्यूट किया, यहां से एक रिसोर्स कम हो जाएगा तो न्यू अवेलेबल हो जाएगा 0 1 0 और यहां पर एलोकेट हो जाएगा। एलोकेट होने के बाद ये एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद रिलीज कर देगा। ठीक है, जब कभी भी इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है फिर वो रिलीज कर देता है। रिलीज करने का मतलब है वापिस ये 1 यहां पर आ जाएगा, तो ये 0 होके 0 से 1 आ जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको यहां पर सेफ सीक्वेंस निकालते जा रहे हैं हम। अब नेक्स्ट किसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम, इन तीनों में से किसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको पी नोट को। पी नोट को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 0 1 1 की रिक्वायरमेंट थी और 0 1 1 ही हमारे पास अवेलेबल था। तो पी नोट को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके पास जो एलोकेटेड था वो रिलीज कर देगा, काम खत्म हो जाएगा। तो यहां पर न्यू अवेलेबल क्या आ जाएगा, न्यू अवेलेबल आ जाएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां पर आ जाएगा, ये 1 ऐड हो जाएगा R1 के अंदर, 0 ऐड हो जाएगा R2 के अंदर, मगर 1 ऑलरेडी था तो 1 प्लस 0 इज 1, 1 ऐड हो जाएगा यहां पर, 1 प्लस 1 इज 2। तो न्यू अवेलेबल आ गया 1 1 2। पी नोट के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, पी नोट के बाद हमारा एग्जीक्यूट होगा, हम देखेंगे ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा, उसके बाद 1 1 2। तो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम 1 0 0। तो यहां से ये 0 हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट होता जाएगा और उसके बाद एलोकेट कर देगा। तो वापिस ये 1 हो जाएगा, रिलीज कर देगा और उसके बाद 1 1 0 जो एलोकेट था ये 2 हो जाएगा, 2 देन 2। तो ये न्यू अवेलेबल आ गया, पी नोट के बाद कौन सा एग्जीक्यूट हुआ है हमारा, P1। ठीक है जी। तो इस टाइप से हम एग्जीक्यूट करते रहेंगे, 0 2 0 लास्ट रिक्वायरमेंट थी P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो टोटल जो एक सेव सीक्वेंस आ रही है हमारी, जो सेव सीक्वेंस है इसकी P2 P0 P1 P3, दैट इज द सेव सीक्वेंस फॉर दिस क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा, सेव सीक्वेंस अगर आ रही है तो वो कभी भी डेडलॉक में नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या था, सिस्टम इज इन डेडलॉक स्टेट, दिस रिमार्क इज व्हाट, दैट इज फॉल्स। फॉल्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये डेडलॉक में नहीं है बिकॉज ऑफ द सेव सीक्वेंस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग। यहां पर सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ कंप्यूटेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेमाफोर के ऊपर, द वैल्यू ऑफ ए काउंटिंग सेमाफोर इज 7 एंड 20 P ऑपरेशन एंड XV ऑपरेशन वर कंप्लीटेड ऑन दिस सेमाफोर, फाइनल वैल्यू जो सेमाफोर की है दैट इज 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। क्वेश्चन यहां पर ये दिया हुआ है कि काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू सबसे पहले दी हुई है, काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू दी हुई है यहां पर 7। ठीक है जी। अब यहां पर एक पी ऑपरेशन होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, सेमाफोर में दो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, एक होता है वेट ऑपरेशन और एक होता है सिग्नल, वेट एंड सिग्नल। वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से
और सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं हम वी से, ठीक है। तो वेट हमेशा डिक्रीमेंट डिक्रीज करता है सेमाफोर की वैल्यू बाय वन, और सिग्नल जो है वो इंक्रीज करता है सेमाफोर की वैल्यू बाय वन, ठीक है। जब कभी भी एक सिग्नल ऑपरेशन होगा तो वो इंक्रीज करेगा, एक वेट ऑपरेशन होगा तो वो डिक्रीज करेगा। तो यहां पर 20 P ऑपरेशन दे रखे हैं, मतलब 20 वेट ऑपरेशन है एंड एक्स जो है वी ऑपरेशन है, मतलब एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? वेरी गुड। तो यहां पर क्वेश्चन में ये कहा गया है काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू इनिशियली 7 है, 20 P ऑपरेशन, मैंने बताया एक वेट ऑपरेशन होगा तो डिक्रीज होगा बाय वन। अगर 20 डिक्रीज ऑपरेशन लग रहे हैं तो -20 हो जाएगा, स्टार्टिंग सेमाफोर की वैल्यू ये थी, 20 P ऑपरेशन है तो -20 हो गया। एक्स वी ऑपरेशन, एक वी ऑपरेशन इंक्रीज करता है, इंक्रीज मतलब प्लस करता है, तो एक्स वी ऑपरेशन है तो प्लस एक्स हो जाएगा। इज इक्वल टू, ये कह रहा है फाइनल वैल्यू क्या है सेमाफोर की, फाइनल वैल्यू है हमारी सेमाफोर की 5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, तो 7 - 20 इज -13 प्लस एक्स इक्वल टू 5 एंड एक्स इज इक्वल टू 5 + 13 जो है यहां आके प्लस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18। सो 18 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस वैल्यू दिस क्वेश्चन। क्लियर? इसी टाइप से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, जो कि हमारा है शेड्यूलिंग के ऊपर। यहां पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे पास एन नंबर ऑफ टास्क है जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और रन टाइम है उसका R1 to RN टू रन ए यूनि प्रोसेसर। यूनि प्रोसेसर का मतलब होता है एक ही सीपीयू आपके पास अवेलेबल है, तो एक सीपीयू है तो एक ही टास्क एक टाइम पे एग्जीक्यूट होगी। क्लियर? तो यहां पर ये कह रहा है यूनि प्रोसेसर सिस्टम है, कौन सा प्रोसेसर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विल रिजल्ट इन द मैक्सिमम थ्रोपुट। यहां क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम थ्रोपुट कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा रिजल्ट आएगा जब हमारे पास एक ही सीपीयू है, ठीक है। थ्रोपुट समझ में आना चाहिए पहले, थ्रोपुट का मतलब होता है हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब है कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, कहने का मतलब यह है कि कितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम टास्क कंप्लीट हो रही है एक यूनिट के अंदर, उसको बोलते हैं हम थ्रोपुट। तो ऑब्वियस सी बात है राउंड रोबिन तो टाइम क्वांटम देता है, टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपकी एक यूनिट का जो टाइम है वो 1 मिली सेकेंड है और राउंड रोबिन का जो टाइम क्वांटम है वो 2 मिली सेकेंड है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी टास्क कंप्लीट होगी, एक ही टास्क कंप्लीट होगी। हाई रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट वो होता है हमारा, जस्ट लाइक फेवर करता है शॉर्टेज जॉब को, मगर ये वेट करता रहेगा जब तक पहला प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सबसे वर्स्ट सिनेरियो होता है हमारा थ्रोपुट के लिए, सबसे कम थ्रोपुट जो देता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देता है, मगर शॉर्टेज जॉब फर्स्ट दैट इज द मेथड जो कि सबसे स्मॉलेस्ट जॉब का जो टाइम होगा उसी को वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद दूसरी शॉर्टेस्ट जॉब को एग्जीक्यूट करेगा, इस तरह से वो एग्जीक्यूशन करता है। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हमेशा हर सिनेरियो में, चाहे वो एवरेज वेटिंग टाइम क्यों ना हो, टाइम अगर की बात करें टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम, हमेशा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में सबसे कम आता है एज कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम। सेम ईयर थ्रोपुट नंबर ऑफ टास्क सबसे ज्यादा एग्जीक्यूट होती है पर यूनिट टाइम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 24th में क्वेश्चन करा हुआ है, लेट द टाइम टेकन टू स्विच फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन बी T1 व्हाइल टेकन टू स्विच बिटवीन टू यूजर प्रोसेस बी T2। देखिए यहां पर क्या बोला हुआ है, T1 जो है दैट इज द टाइम बिटवीन द कर्नल एंड द यूजर। T1 एक टाइम है जो कि कर्नल एंड यूजर के बीच में जो स्विचिंग होती है वो T1 टाइम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टू प्रोसेस के बीच में जो स्विचिंग होती है, टू प्रोसेस के बीच में जो स्विचिंग होती है
वो होती है हमारी T2 टाइम। ठीक है, अब समझने वाली बात है, यहां पर टू प्रोसेस के बीच में जो स्विचिंग होगी, तो उस केस में अगर मैं आपको समझाऊं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, एक प्रोसेस P1 काम कर रहा है, दूसरा प्रोसेस P2 आ जाता है, सीपी तो एक ही है, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस काम करेगा। तो होगा क्या, अगर दो प्रोसेस आपस में स्विचिंग कर रहे हैं, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर जब सीपीयू जा रहा है, तो उसमें जो बीच में काम होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच होना ही पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या करता है, पीसीबी ब्लॉक होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या कहता है, ये वाली जो स्टेट का काम हुआ है वो सारा का सारा पीसीबी में स्टोर हो जाएगा, और जो दूसरा है वो इसके लिए नेक्स्ट पीसीबी अपना ओपन कर देगा। तो कहने का मतलब है, पीसीबी का मतलब है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो स्विचिंग जब कभी भी होगी तो पीसीबी में स्टोर करने में टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। तो T2 का टाइम हमेशा कर्नल एंड यूजर के बीच में सिर्फ और सिर्फ हम एक ही बिट चेंज करते हैं, सिंगल बिट चेंज करते ही हमारी स्विचिंग हो जाएगी बिटवीन द कर्नल एंड यूजर। इट डजेंट टेक एनी टू मच टाइम एज कंपेयर टू द टू प्रोसेस स्विचिंग टाइम। तो टू प्रोसेस स्विचिंग टाइम हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कर्नल एंड यूजर स्विचिंग टाइम से। तो यहां पर T1 का टाइम सबसे कम लगेगा एज कंपेयर टू द T2। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, क्योंकि T1 का टाइम कम लगेगा और T2 का टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लिया करो, तभी जाके क्वेश्चन करेक्ट आंसर की फॉर्म में आप रिजल्ट दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है हमारा, आई होप गेट 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 11 या 10 में। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये एग्जाम दिया था तो इसलिए मेरे को याद है, इसमें एक सिस्टम है जिसमें फिफो पॉलिसी आपको यूज करनी है फॉर पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, अलग अलग टेक्निक होती है, पिछली वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, फिफो टेक्निक होती है हमारी, एक LRU होती है और एक ऑप्टिमल होती है, तीन टेक्निक जनरली हम यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर बोला हुआ है फोर पेज फ्रेम आपको यूज करना है, जिसमें इनिशियली कोई भी पेज लोड नहीं है। इनिशियली ये कह रहा है चार पेज आपको मेमोरी का जो साइज दे रखा है वो फोर फ्रेम का दिया हुआ है। ठीक है, द सिस्टम फर्स्ट एक्सेस 100 डिस्टिंक्ट पेजेस इन सम ऑर्डर। ये कह रहा है कि 100 पेजेस है आपके, मान लीजिए किसी भी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, मान लीजिए ऑर्डर है 1, 5, 10, 11, 18, 19, लास्ट के मैं 5 मान लेता हूं, 20, 25, 30, इस तरह से ये लास्ट के ये है। ठीक है, ये 100 पेजेस हमें स्टोर करने हैं यहां पर एक एक करके। ठीक है, और डिस्टिंक्ट है, वर्ड को ध्यान देना, डिस्टिंक्ट पेजेस है, डिस्टिंक्ट का मतलब है ये सारे के सारे अलग अलग है, कोई भी इसमें रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, पहला इसने कहा स्टार्टिंग में कोई भी पेज इसमें अवेलेबल नहीं है, फोर पेज फ्रेम की आपकी मेमोरी है, तो पहला पेज आएगा, उसने देखा कोई भी नहीं है तो पेज फोल्ड हो जाएगा, दूसरा आएगा पेज फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट है, कभी भी मैच नहीं करेगा, फिफो पॉलिसी यूज करनी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस तरह से 100 के 100 पेज हमारे फोल्ड हो जाएंगे, 100 पेज फोल्ड हो जाएगा, बात समझ में आई? क्योंकि सारे के सारे डिस्टिंक्ट है और कोई भी पेज इनिशियली लोड नहीं है, तो 100 के 100 हमारे पेज फोल्ड इसके अंदर एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद इसने कहा बट नाउ इन रिवर्स ऑर्डर देन एक्सेस द सेम 100 पेज। ये कह रहा है जो भी आपने 100 पेज माने हैं उसी को आपको दोबारे से इसमें एक्सेस करना है, बट इस टाइम आपको रिवर्स करना है, पहले आपने फॉरवर्ड किया था इस तरह से, अब आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब है, आप समझो बात को, लास्ट वाले जो 4 पेज होंगे, फॉर एग्जाम्पल लास्ट के जो 4 पेज है वो यही है, 30 लास्ट वाला था, उससे पहले 25 था, उससे पहले 20 था, उससे पहले 19 था। ठीक है, लास्ट के जो 4 होंगे, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में कह रहा है, तो पहले 30 मिलेगा, 30 क्या पेज फॉल्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसी ऑर्डर में वही सेम पेज इसने एक्सेस करना है, 25 मेमोरी के अंदर होगा, 20 भी मेमोरी के अंदर होगा, 19 भी मेमोरी के अंदर मिलेगा। अब रिमेनिंग कितने पेज रह गए, रिमेनिंग रह गए 96, और वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट पेज है,
कहने का मतलब है ये चार जो लास्ट वाले हैं वो पेज फॉल्ट नहीं होगा। तो इसमें टोटल पेज फॉल्ट कितने आएंगे? 96। तो इसने पूछा है हाउ मेनी पेज फॉल्ट विल बी अकर। तो 100 प्लस 96 दैट इज इक्वल टू 196। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज 196। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक एक स्टेटमेंट को समझना है और उसको इंप्लीमेंट करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 फॉर दिस वीडियो, सिक्स क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चन है डिस शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग। आपका डिस शेड्यूलिंग हम यूज करते हैं, देखिए डिस शेड्यूलिंग होता क्या है। डिस शेड्यूलिंग में जैसे कि आप प्रोसेस शेड्यूल करते हो, इसी तरह से आप डिस्क को भी शेड्यूल करते हो। तो यहां पर होता क्या है, आपको डायग्राम बना होगा, मान लीजिए इसकी वैल्यू है 0 to 199, इस तरह से बीच में सिलेंडर्स की वैल्यू लिखी होती है। तो डिस शेड्यूलिंग में होता क्या है, जो भी डिस्क रिक्वेस्ट होती है, जैसे कि मान लीजिए प्रोसेस में हमारे प्रोसेसेस होते हैं, डिस शेड्यूलिंग में हमारे डिस्क नंबर होता है। जैसे कि यहां पर नंबर आ रहा है 50, 50 के बाद आया 58, फिर 52, ठीक है 65, इस तरह से रिक्वेस्ट नंबर है ये। रिक्वेस्ट नंबर को हम एक्सेस करेंगे डिस शेड्यूलिंग के अंदर। डिस शेड्यूलिंग देखेगा कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि फिफो टेक्निक भी इसमें है। इसमें एक टेक्निक है हमारी SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। एक टेक्निक है स्केन शेड्यूलिंग, ठीक है, ये भी हम एक नोमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पर। दीज आर द एल्गोरिथम दैट विल बी यूज इन द डिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो यहां पर सिंपल सा ये पूछा हुआ है, डिस शेड्यूलिंग इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हाट। तो क्या करता है वो हमेशा जो भी रिक्वेस्ट आ रही होती है, ठीक है, द ऑर्डर इन विच डिस्क एक्सेस रिक्वेस्ट मस्ट बी सर्विस। तो जो भी रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम देखेगा और उन रिक्वेस्ट को उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सर्विस देता रहेगा, रिक्वेस्ट को एक्सेस करने का परमिशन देता रहेगा। तो कहने का मतलब है डिस शेड्यूलिंग हमारा सेकेंड ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज राइट, ठीक है। तो इस टाइप से अलग अलग क्वेश्चंस हैं हमारे जो कि मैं क्लियर करता जा रहा हूं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th एंड 7th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। तो क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द स्वैप स्पेस रिसाइड। देखिए यहां पर स्वैप स्पेस एक टेक्निकल टर्म है, ये हमारा रिसाइड कहां पर होता है, ये हमारा होता है डिस्क के अंदर। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, डिस्क डिस्क है क्या, यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। स्वैप स्पेस एक ऐसा एरिया है जो कि डिस्क के अंदर होता है, और ये करता क्या है, दैट टेम्परेरी होल्ड ए प्रोसेस मेमोरी इमेज। प्रोसेस की जो मेमोरी इमेज है, प्रोसेस की जो इमेज है उसको होल्ड करके रखता है टेम्परेरीली, ठीक है। और होता कहां पर है ये होता है हमारा डिस्क के एरिया के अंदर। तो जब कभी भी फिजिकल मेमोरी डिमांड करेगा कि वहां पर सफिशियंटली लो है, तो प्रोसेस मेमोरी इमेज जो ये है वो डिस्क से उठ के कहां पर आ जाएगा, फिजिकल मेमोरी फ्रॉम द स्वैप एरिया, ठीक है। तो इस टाइप से हम एक्सेस करवाते हैं। इससे होगा क्या, हैविंग सफिशियंट स्पेस अनेबल द सिस्टम टू कीप सम फिजिकल मेमोरी फ्री एट ऑल टाइम। तो जो स्वैप स्पेस है वो एक टेम्परेरी होल्ड करके रखता है, इससे होगा क्या, स्वैप स्पेस हट जाएगा और अपना स्पेस फ्री कर देगा, जिससे फिजिकल मेमोरी में जो लो एक्सेस हो रहा था, जो हमारा मतलब उसमें मेमोरी बच नहीं रही थी, उसको वो प्रोवाइड कर देगा। तो दैट इज द मेन यूज ऑफ द स्वैप स्पेस। तो क्वेश्चन था हमारा स्वैप स्पेस कहां पर होता है हमारा, वो होता है डिस्क के अंदर, क्लियर। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 28 क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा हुआ है इंक्रीजिंग द रैम ऑफ ए कंप्यूटर टिपिकली इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कई बार ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है। अगर हम रैम को बढ़ा दें कंप्यूटर के अंदर, आप जनरली देखते होंगे कंप्यूटर के अंदर रैम बढ़ा देते हैं तो स्पीड तेज हो जाती है, मगर इन टर्म्स ऑफ यहां पर हम मेमोरी की फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, तो होगा क्या। देखिए अगर रैम अगर हमारी बढ़ जाती है, तो आपको पता है जो भी मेमोरी है वो हमारा किस में डिवाइड है, फ्रेम की फॉर्म में डिवाइड है, फ्रेम की फॉर्म में डिवाइड है। तो फ्रेम का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेमोरी से, ठीक है। रैम का साइज अगर बढ़ गया तो फ्रेम का साइज बढ़ जाएगा हमारा,
फ्रेम का साइज हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इस टाइप से साइज हमारा बढ़ता जाएगा, तो हर एक फ्रेम का साइज हमारा इंक्रीज हो गया। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, जो साइज अगर हमारा बढ़ गया है तो हमारा जो पेज फॉल्ट हो रहा था, स्वैपिंग हो रही थी, वो कम से कम होगी। स्वैपिंग कम से कम होगी कहने का मतलब है कि पेज फॉल्ट हमारे जितने भी हो रहे थे वो कम से कम एक्सेस होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर रैम को इंक्रीज कर दो तो कंप्यूटर जो परफॉर्मेंस होगी वो इंप्रूव किस फॉर्म में होगी, क्योंकि पेज फॉल्ट हमारा कम से कम अक्कर होंगे, फ्यूवर पेज फॉल्ट अक्कर एट दैट टाइम। क्लियर? तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था हमारा 29th, एंड द 9th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, द हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन विच प्रोवाइड्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक टर्म होती है हमारी जो कि सेमाफोर में यूज करते हैं। सेमाफोर में दो टाइप से हम यूज कर सकते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ये अलग अलग टेक्निक यूज करता है, ये दोनों के दोनों टाइप से हम इसको सेमाफोर को एक्सेस कर सकते हैं। तो हार्डवेयर के लिए, जो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन ये एक टेक्निक का नाम है, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रोवाइड करने के लिए। सॉफ्टवेयर के लिए हम मॉनिटर भी यूज करते हैं, और इसके अंदर अलग अलग टेक्निक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स हम यूज करते हैं, तो वो चीज हम एक्सेस कराते हैं। तो हार्डवेयर, यहां पर क्वेश्चन करा हुआ है हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन विच प्रोवाइड। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कई बार काफी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है एटमोस्ट वन प्रोसेस दैट विल बी एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, नो अदर प्रोसेस विल बी अलाउड इन द क्रिटिकल सेक्शन इफ इट इज रिक्वायर्ड। क्लियर? तो एक ही प्रोसेस एक टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड है। ठीक है, तो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन यहां पर पूछा हुआ है, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन कौन सा हमारा प्रोवाइड करता है, वो करता है टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग पॉलिसी इज वेल सुटेड फॉर ए टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से पता चल रहा है, देखिए टाइम को हमें शेयर करना है, ऐसा कौन सा शेड्यूलिंग पॉलिसी है जो वेल सुटेड है। देखिए पहला है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये तो हमारा मैक्सिमम थ्रोपुट देता है, एवरेज वेटिंग टाइम भी कम से कम होगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी कम होगा। ठीक है, राउंड रोबिन जो है वो टाइम क्वांटम में प्रोवाइड करता है, एफसीएफएस जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहली जॉब पहले आएगी उसी को एक्सेस देगा। एलिवेटर जो है वो कोई भी टेक्निक नहीं है हमारी, एलिवेटर वैसे डिसशेड्यूलिंग में हम स्केन एल्गोरिथम यूज करते हैं, उसको एलिवेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कुछ कुछ टाइम के लिए प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराए, तो उसके लिए जो बेस्ट सुटेड एल्गोरिथम है वो राउंड रोबिन है, क्योंकि ये क्या देता है, टाइम क्वांटम फिक्स कर देगा कि भाई कोई भी प्रोसेस है उसका टाइम कितना भी हो, एक टाइम पे वो 2 मिली सेकेंड ही एग्जीक्यूट कर सकता है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस को टाइम देगा और वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, अगर पहले वाले प्रोसेस की टर्न आती है तभी वो दोबारे से एग्जीक्यूट करेगा। तो टाइम को शेयर कर देता है इन केस ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।